चलिए भैया, तो आज हम लोग 12th क्लास के मैथ का अगला चैप्टर 7.5 शुरू करेंगे। तो 7.5 शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको जान लेना ज़रूरी है। वह हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, और किसका पार्शियल फ्रैक्शन, रेशनल फंक्शन के बारे में। तो थोड़ा अभी हम लोग पहले रेशनल फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि रेशनल फंक्शन परिमेय फलन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो कोई इस प्रकार का फंक्शन लिखा हो जो पी एक्स बाई क्यू एक्स के रूप का रहे, जिसमें क्यू एक्स का मान 0 के बराबर नहीं हो, और पी एक्स क्या हो, कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए, कोई बहुपद होना चाहिए। पी एक्स भी कोई पॉलिनोमियल होगा और क्यू एक्स भी कोई पॉलिनोमियल होगा, यानी दो बहुपद अगर भिन्न के रूप में लिखा होगा तो उस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसे हम लोग रेशनल फंक्शन कहेंगे। तो जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2x/3x² - x+1, तो इसमें क्या देखा कि जो न्यूमरेटर है वह भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और जो डिनोमिनेटर है यह भी एक बहुपद है। तो इस प्रकार का दो बहुपद अगर अनुपात के रूप में लिखा हुआ है, रेशियो में लिखा हुआ है, इसे हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं, यानी दो बहुपदों का अनुपात होना चाहिए। तो यह रेशनल फंक्शन ऐसा भी हो सकता है 3x+1 / x²-1, इस तरह से भी, यानी यह भी पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसे रेशनल फंक्शन कहेंगे। रेशनल फंक्शन में यह रेशनल फंक्शन आपका दो प्रकार का होगा, कौन कौन उसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर 7.5 में 7.5 शुरू करने से पहले इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो रेशनल फंक्शन ऐसा कुछ हमने अभी एग्जांपल देखा, तो ऐसा लिखा हुआ है 2x+1 / 3x²-x+1, यह एक रेशनल फंक्शन है। ऐसा लिखा हुआ है x/x²-1, यह भी एक रेशनल फंक्शन है। ऐसा लिखा हुआ है 3x-1 / x-1² लिखा हुआ है 3x+1 / x²+2x-1, यहाँ पर हमने कुछ रेशनल फंक्शन का एग्जांपल दिया है। तो इसमें देखो ध्यान से, कुछ रेशनल फंक्शन ऐसा इसमें है, जितना भी दिया हुआ है इसमें देखना कि जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है वह उसका डिग्री, और जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसका डिग्री में देखो, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है यह एक डिग्री का है। डिग्री तो पता है पहले से कि डिग्री किसे कहते हैं, जो वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होता है वह डिग्री कहलाता है। तो अगर किसी रेशनल फंक्शन में न्यूमरेटर यानी अंश का घात हर के घात से कम हो, यहाँ आपने देखा सब में कम है, मान लो यहाँ पर ऐसा दे देता हूँ 3x²+1, ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री, मतलब पी एक्स मान लिया ऊपर में है और क्यू एक्स मान लिया इसका डिनोमिनेटर है, तो यदि डिग्री ऑफ पी एक्स का डिग्री ऑफ पी एक्स यानी न्यूमरेटर का घात अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर के घात से, डिनोमिनेटर के डिग्री से, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो ऐसे कंडीशन में ये जो रेशनल फंक्शन होगा वह रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा, यानी इसको कहते हैं उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन। तो इसमें देखो पहला में देखे क्या, इसका डिग्री नीचे से कम है, यहाँ डिग्री एक है, यहाँ डिग्री दो डिग्री का है, यहाँ भी एक डिग्री का है, यहाँ दो डिग्री का है, तो ये तीनों जो फंक्शन दिए गए हैं यह तीनों प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। यदि
न्यूमरेटर का डिग्री यानी पी एक्स वाला, यदि पी एक्स का डिग्री, डिग्री ऑफ पी एक्स अगर बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किसके, किसके बराबर हो जाए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, मतलब न्यूमरेटर का जो पावर है और डिनोमिनेटर का जो घात दिया हुआ है, ये दोनों अगर बराबर हो जाए या न्यूमरेटर का घात बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो वैसे कंडीशन में इस प्रकार का जो रेशनल फंक्शन होता है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, यानी इसे कहा जाता है विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन। तो अभी हमने क्या देखा कि रेशनल फंक्शन, पहले हम उसकी पहचान करेंगे कोई भी मैथ बनाने से पहले, कि जो रेशनल फंक्शन दिया हुआ है वह हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है कि इम्प्रॉपर में है, और उसके लिए क्या देखेंगे, उसका डिग्री का देखेंगे। अगर कोई रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हो, विषम परिमेय फलन हो, तो पहले हम उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज कर लेंगे। तो उसको चेंज कैसे करेंगे, पहला पहचान करना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर कोई रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर है, अर्थात न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए, जैसे मान लो यहाँ दे देता एक्स क्यू प्लस वन और नीचे दे देता कोई क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ क्या देखा, बड़ा है ये छोटा है बराबर है, तो ये ऐसे दोनों कंडीशन में वह हो जाता है इम्प्रॉपर। तो किसी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पहले हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, अभी हम लोग यही देखेंगे कि कोई इम्प्रॉपर वाले को प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें चेंज करने का कोई बहुत ज़्यादा भारी विधि नहीं है, पहले जो आप भाग वाला विधि पढ़े हो, डिवाइड करने वाला दो बहुपद को, तो भाग विधि से हम इसको इम्प्रॉपर वाले को प्रॉपर में चेंज करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं इम्प्रॉपर वाले का, लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन और दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये देखो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि इम्प्रॉपर है। यहाँ क्या देखा, न्यूमरेटर का डिग्री तीन डिग्री का है, डिनोमिनेटर दो डिग्री का है, तो यह इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ। अंश का घात हर के घात से बड़ा है, बराबर भी रहेगा तो भी इम्प्रॉपर। तो हम इसको प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, तो सीधे सीधे जो भाग देने का विधि पहले आप पढ़े हैं, उस भाग विधि द्वारा इसको उचित भिन्न में बदलेंगे, उचित परिमेय फलन में बदलेंगे। तो भाग विधि द्वारा तो कैसे बदला जाएगा इसको देखो, यहां लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे, यहां कितना से गुना होगा, एक्स से गुना होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन का एक्स में माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस ये कटेगा, यहां बच गया टू एक्स प्लस वन। क्या हम इसको, ये जो लिखा हुआ है हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहां देखो ये हमारा एक्स बाई वन, ये भी हमारा आ गया रेशनल फंक्शन में, बटा वन है यहां पर, और ये जो हमारा देखो इसमें जो न्यूमरेटर का डिग्री वन है, फिर डिनोमिनेटर यहां टू है, यहां क्या मिल गया, इसका घात नीचे वाले के घात से छोटा है, अतः यह हमारा प्रॉपर में हो गया। तो इस तरह से जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, पहले भाग दे करके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दे करके इस फॉर्म में लिखेंगे और ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। अब जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज हो जाएगा तब उसके बाद हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, तो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा समझ लें, क्योंकि यही सारे चीज 7.5 में आपको पढ़ना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे, जैसे मान लो एक रेशनल फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रेशनल फंक्शन
टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं टू एक्स बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ऐसा हमने लिख दिया। ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो किसी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को और सिंपल करना और सरल करके लिखना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। सरल करके लिखने का मतलब कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसका जो न्यूनतम फैक्टर होगा वहां तक उसको लिख देना है। जैसे यहां लिखा हुआ है टू एक्स बाय एक्स प्लस वन, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वन बाय एक्स माइनस वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, यानी सब अब इसका न्यूनतम फैक्टर हमारा यही मिलेगा। अब हम इसको अगर हल करेंगे तो ये हल हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी रेशनल फंक्शन को उसका सिंपलेस्ट करके उसको छोटे रेशनल फंक्शन में लाना यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब है कि हम किसी रेशनल फंक्शन को उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लाएंगे कैसे। यहाँ पर हमने वन बटा इतना और वन बाय इतना कैसे लिख दिया, ये आप लोग भी लिखोगे। अभी हमें याद था हमने लिख दिया, तो आपको निकाल के लिखना है कि हम कैसे लिखेंगे। मतलब यहाँ केवल यह बतलाया गया कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी रेशनल फंक्शन का हम कैसे करेंगे। तो किसी रेशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो सिंपलेस्ट फैक्टर होगा, सिंपलेस्ट फैक्टर के रूप में अलग अलग करके दो या दो से अधिक रेशनल फंक्शन के सम के रूप में, योग के रूप में लिख देंगे जो सरल रहेगा। तो इस प्रकार इसको तोड़ के लिखने की क्रिया को क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो अब यहाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखाता है हम एक आध दो एग्जांपल और लेते हैं। हम इसी को देखते हैं यहाँ वन बाय इतना और वन बाय इतना कैसे आया। ध्यान से इसको देख, हमने अभी लिखा था टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। टू एक्स बाई वन को जो पहले नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा इसका जो संभव हो वहां तक पहले उसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो हम इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा टू एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन के रूप में ये मिलेगा। अब यहाँ देखें हम नीचे का जो हमारा फैक्टर है वह हमारा दो गुणनखंड के रूप में है, तो हम इसको कुछ देर के लिए ऐसा मान लिया, लेट टू एक्स बाई इतना बराबर इसको मानेंगे ए बाय एक्स माइनस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस वन। ये फॉर्म आपको आगे बताया जाएगा कि कब हमको किस फॉर्म में लिखना है, आगे बताया जाएगा, ठीक। हम इसको इतना मान लिया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे फिर हमारा इस एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से एलसीएम, यहाँ से इसको मल्टीप्लीकेशन करके हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। ये कैसे हुआ, इसका हमने एलसीएम लिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन यहाँ कैंसिल हुआ, इसका यहाँ गुना हुआ, इसका यहाँ गुना हुआ, ये हमारा किसके बराबर था टू एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन के, और ये हमारा कैंसिल हो गया। तब हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा टू एक्स, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ से x कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट a बचेगा और माइनस बी बचेगा, प्लस a माइनस बी। यहाँ जो 2x लिखा है अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस जीरो लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना कि ये जो लेफ्ट हैंड राइट का जो पद है और राइट हैंड पे जो पद लिखा हुआ है उसको इक्वेट करना, समानित करना, यानी यहाँ पर एक्स का गुणांक टू है, कोएफिशिएंट टू है, और यहाँ एक्स का जो गुणांक है वह ए प्लस बी है। इसलिए आप इसको लिख सकते हो कि बाय इक्वेटिंग ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा।
और इसमें देखो जिसमें x नहीं है जो कांस्टेंट है वह a माइनस बी है कांस्टेंट, और इसमें कांस्टेंट कितना हमारा जीरो है, इसलिए क्या लिखा जाएगा a माइनस बी बराबर जीरो। और फिर क्या करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ से a और b का मान आप आसानी से निकाल लोगे, और उसी निकाला हुआ a और b के मान को आप यहाँ पुट कर दोगे, तो ये जो पार्शियल, ये जो हमारा रेशनल फंक्शन था, ये हमारा छोटे छोटे रेशनल फंक्शन के रूप में, सरल रेशनल फंक्शन के रूप में चेंज हो गया, और इसी को कहा जाएगा कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो हम इस यहाँ से निकालते हैं a का वैल्यू, a और ये 2a बराबर 2 हो जाएगा, 2a बराबर 2, इसलिए a बराबर 1 हो जाएगा, जब a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू 2 माइनस 1, यानी b का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी अब हम इस क्वेश्चन को, ये सारा काम हम किनारे रफ में कर लेंगे, और अब हम इसको, हमने क्या लिखा था, सवाल हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमारा 2x by x minus 1 into x plus 1, या तो डिनोमिनेटर फैक्टर के रूप में होगा, अगर फैक्टर के रूप में नहीं था, पहला सवाल हमारा यहाँ था, ठीक है, 2x by x स्क्वायर माइनस 1, तो पहले हम डिनोमिनेटर को फैक्टर के रूप में चेंज कर लेंगे, और फिर फैक्टर में जो फॉर्म दिया जाएगा उसके हिसाब से ए बी सी जितना रहेगा उसका मान निकालेंगे। तो 2x बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू हमने क्या लिखा था, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1, और a का वैल्यू कितना आया 1, b का वैल्यू 1। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, a बाई एक्स माइनस 1, a का वैल्यू 1, तो इसे हम लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 प्लस बी, बी का वैल्यू भी 1 आया है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1। इस तरह से हम किसी रेशनल फंक्शन को, किसी रेशनल फंक्शन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, यानी पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब सिंपल, उसको सिंपल रेशनल फंक्शन के रूप में, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका जो कोफिशियंट हो वह न्यूनतम हो, सरल हो, इस रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का ये विधि है। और जब ये चीज चेंज करने आ जाएगा, पार्शियल किसी रेशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने आ जाएगा, तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को रेशनल, किसी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में किस प्रकार तोड़ा जाएगा, यानी सिंपल रूप उसको कैसे कैसे लाया जाएगा। तो अभी आपने सीखा कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, वो भी बताया गया, और फिर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में करके लाना। और एग्जाम्पल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो को आप देखें ध्यान से, इसके लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है, धन्यवाद।